आसिक रहना आसिक रहना ओ सजन रे पास तो आना। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे अपने अपनी जिंदगी में। तो आज डेट है 13 जनवरी 2022 और आज लोहड़ी मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से और हरीश की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मंदिर, यहाँ पे हरीश के घर के पास एक नीचे मंदिर है शिव जी जी का। अभी फिलहाल हम वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ी लकड़ी वगैरह इकट्ठी करेंगे। लकड़ी इकट्ठी करने के लिए हम ये ला रखे है दराटी, जो कि नेपाल से मंगाई है हमने। दराट इसको दराट बोलते हैं, सॉरी मेरे को पता नहीं है ढंग से, तो इसको बोलते हैं दराट। और ये नेपाल से मंगा रखा है हमने नहीं, हरीश के पापा जी ने नेपाल से मंगाया है। ये नेपाल में ज़्यादा होता है, तो इससे हम लकड़ी वगैरह इकट्ठी करेंगे। मतलब इकट्ठी इससे नहीं करेंगे, इससे हम काटेंगे, फिर जब कटेगी फिर उसके बाद इकट्ठी करेंगे। तो लकड़ी हम इकट्ठी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोहड़ी वाले दिन जो लकड़ियाँ वगैरह होती है उसको मतलब अच्छे से लगाते हैं और फिर उस आग वगैरह जलाते हैं, जो कि यहाँ की लैंग्वेज में जिसको गहना बोलते हैं। और फिर उसमें जैसे मूंगफली होगी, गच्चक होगी, रेवड़ी होगी, वो डालते हैं। फिर जैसे आग वगैरह जल जाती है, फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब अंताक्षरी वगैरह खेल ली, वहाँ पे इंजॉय करते हैं जो मोमेंट होता है। आजकल जैसे ठंड होती है और ठंड के बीच में आग जला के एकदम बढ़िया मज़े से, तो उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। तो आज हम भी वैसा ही कुछ करेंगे। तो फिलहाल अभी मंदिर चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं, फिर उसके बाद जंगल चलेंगे लकड़ी लेने। चलो तो अभी हम पहुँचे हैं स्कोड़ी गाँव, जहाँ पर वो मंदिर है जहाँ आपको हम मंदिर जा रहे हैं। फिलहाल अभी मैं आपको गाँव की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये घर, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है और इसमें मतलब जो यहाँ के पशु वगैरह होते हैं, पशु मतलब गाय वगैरह भैंस वगैरह जो भी होती है वो इसमें रखते हैं, और इसको यहाँ की मतलब पहाड़ी लैंग्वेज में ओबरा बोलते हैं। तो अभी आप ये कुछ यूनिक सी चीज़ देख रहे होंगे, इसको यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं घोड़, और ये है मतलब घास। तो इसको विंटर के लिए रखते हैं सेव करके, क्योंकि जो विंटर टाइम होता है उस टाइम ये घास लाना मुश्किल होता है, क्योंकि विंटर में बारिश पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो इस वजह से वो घास होता है जो पूरा गीला हो जाता है। इसलिए इसको पहले से ही सेव करके रखते हैं, ताकि जो मतलब यहाँ पशु वगैरह रखते हैं गाँव के लोग, वो अपने पशुओं को इसको खाने के लिए दे सके। तो अभी हम मंदिर भी पहुँच ही चुके हैं। ये है स्कोड़ी गाँव का एक छोटा सा मंदिर, और ये आप यहाँ देख सकते हो, ये है बावड़ी, ये पशुओं के लिए पीने के लिए पानी इकट्ठा कर रखते हैं यहाँ पे करके। वैसे आजकल तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आजकल बर्फ़ पड़ती है, तो उस वजह से यहाँ पानी पहले हो जाता है, बारिश में भी इकट्ठा हो जाता है, तो पशुओं के लिए सही रहता है। मंदिर के पास और अभी हम जूते वगैरह उतारते हैं, फिर उसके बाद अंदर का दिखाते हैं आपको। फिलहाल अभी हल्की हल्की बारिश भी लग गई है, मौसम पूरा खराब रखा है, और सामने का व्यू देख सकते हो आप। तो बारिश हमारा आज का नाइट का प्रोग्राम कैंसिल ना कर दे। आज पहली बार बोल रहा हूँ मैं कि भगवान को कि बर्फ मत उड़ाना। तो चलो देखते हैं क्या होता है। टोपी तो बेरहम लग रही तेरे पास। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, ओ तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। तो अभी मंदिर जाने से पहले हम हाथ धो लेते हैं, ठंडे हाथ हो रखे और ठंडा ठंडा पानी। उफ भयंकर, ऐसा लग रहा है कि बर्फ पिघल के आ रही है। ऐसे नहीं करते। यहाँ पर है हमारे हटो हटो यार बड़े हटो तो
यहाँ पर है हमारे छोटे से नंदी महाराज जी और अंदर है शिव जी जी का शिवलिंग। तो चलो अंदर चलते हैं, जा सकते हैं अंदर। हाँ। ओ मेरे तू दुश्मन हो ना, दुश्मन क्यों हो, ओ बलमा क्यों, ओ तूने मेरी ढोल बजा दे, ये ऐसे कैसे नाच नचा दे। तो अभी आप देख सकते हो ये जो शिवलिंग है ये है पंचमुखी शिवलिंग। इधर सामने रखे हुए हैं नागदेवता जी। ये था यहाँ का एक छोटा सा मंदिर जो कि बहुत ही प्यारा था, और अभी सामने का व्यू इतना प्यारा दिख रहा है ना, पर जब फॉग नहीं होती है उस टाइम और प्यारा दिखता है, पर ये वाला व्यू भी बहुत ही अच्छा है। फिलहाल अभी निकलते हैं क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है और अभी हमें लकड़ी भी इकट्ठी करनी है, तो चलो फटाफट निकलते हैं। तो अभी हम निकल गए हैं वापस और अब हम जा रहे हैं सीधा लकड़ी के लिए। और मैंने आज व्लॉग भी अपलोड करना था, लगा हुआ है अभी 50% हुआ हुआ है, फ़ोन में ही हो रहा है वो भी, और फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, अंधेरा भी होने वाला है, लकड़ी भी करनी है, उफ़ दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या क्या करें। तो फिलहाल तो हम लकड़ी करेंगे। हम जब मंदिर की तरफ को आ रहे थे तो हमने एक जगह देखा था, वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ ना इकट्ठी थी और वो कटी हुई थी, तो हम वही इकट्ठी करेंगे और जितना भी हो सकेगा थोड़ा बहुत जलाएंगे। तो उसमें थोड़ी मोटी मोटी भी थी, वो मोटी मोटी ज़्यादा देर तक जली रहेगी। तो अभी चलो फटाफट चलते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे को एक खजाना मिला है, वो है यहाँ नीचे, और अभी हम जा रहे हैं। आजा आजा आजा, मार जंप जंप मारने को बोलता है ऐसे। ये है वो खजाना, भयंकर खतरनाक, ऊपर ऊपर ब्रीक ब्रीक है पर नीचे नीचे है मोटी मोटी, ये ब्रीक ब्रीक तो एकदम खत्म हो जाएगी। तो अभी इसको इकट्ठा करते हैं, यहाँ साइड में लगाते हैं, फिर ले चलेंगे ऊपर। तो अभी रात होने वाली है और हमने काफी हद तक लकड़ी इकट्ठी कर दी है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये, और एक ये, और थोड़ा सा हमने परे उस साइड भी किया हुआ इकट्ठा। तो अभी इनको ले चलते हैं ऊपर जहाँ पे हमने ये मतलब जलानी है। तो चलो तू मेरा रोज, कमल रोज, तू मेरा रोज। देख रहे हो, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी करना। तेरी याद सताए रात रात, वादे दिए कितने वादे दिए। शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, वेल डन। इधर देखते हैं एक बार। अभी रात हो चुकी है और हमने सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी है, ये है, ये है, और थोड़ी सी ये है, और ये जो सामने लाइट है हम यहाँ ले जाएंगे और यहाँ जलाएंगे। अभी हम मार्केट जा रहे हैं थोड़ी सी मूंगफली और गच्चक वगैरह और लेने, तो अभी चलो चलते हैं मार्केट और लेके आते हैं सामान। तो अभी हमने लिया पॉपकॉर्न, गच्चक, रेवड़ी, मूंगफली और ये दो नमकीन। तो चाय लाओ तो इन अंकल जी से सारा सामान ले जाना, और ये भी दिखे तो इनसे ले जाना। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे। तो पहले हमारी लकड़ी थोड़ी सी परे को थी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे लगा देते हैं, बढ़िया। तो अभी हम लकड़ी को यहाँ ले आए हैं, अब लगाएंगे आग। तो आज मज़ा आने वाला है, और टाइम हो गया 8 बज गया है, और हम 8 बजे अब कर रहे हैं शुरू, तो आराम से बैठे रहेंगे आज। चलो फिर करते हैं, करें फिर शुरू। तो सबसे मेन चीज़ है ये वाली फट्टियाँ, क्योंकि इसमें आग जल्दी पकड़ती है, आराम से करो, इसमें आग जल्दी पकड़ती है ना, तो इसलिए पहले ये जलाएंगे, फिर ये जो हम ब्रीक ब्रीक रखी है हमने, फिर ये, फिर उसके बाद ये वाली लगाएंगे। तो अभी फटाफट फिलहाल लगा लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं आराम से बातचीत। मैं थोड़े न्यूज़पेपर ले आया था, अभी जल नहीं रही थी, तो इससे काफ़ी हेल्प हुई हमारी। अब देख रहे हो ये पूरा पूरा जलाएंगे हम। भाई साहब लोकेशन देखो आप, और ये हमारे गोलू भाई क्या क्या लाए हैं। थोड़ी सी मूंगफली है। हाँ जी सर। थोड़ी गच्चक है। हाँ जी सर। और थोड़ी सी ये रेवड़ी है। चलो सर खोलो, इसको ऐसे डालते हैं ना बस, थोड़ा थोड़ा गिर दो के गोल देख।
हाँ कुछ ली 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 धन तेरे किड धा 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 हाँ कुछ ली धन तेरे किड धा हाँ कुछ ली 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 धन तेरे किड धा 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 हाँ कुछ ली 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 धन तेरे धन ना तू मेरा रोज come a little close। तो अभी हमारे बीच में आ चुके हैं बादल भाई, क्या हाल है सर? आए बहार जाने उसके, जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। हमारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, से दूर एक दुनिया है मैंने ऐसा कुछ कहीं पे सुना है, बादलों पे भी वैसा एक समा है मैंने ऐसा कुछ कहीं पे सुना है, माहिया माही जा टूटे ना छूटे ना रिश्ता छूटे ना रिश्ता। तो अभी गाना गुना वगैरह सब कुछ गा लिया और भाई साहब अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए, टाइम का पता ही लगा कुछ। मजा आया? मजा आया, मजा मजा आया, ठीक बुलाया ना मैंने? अरे ये अपने बादल भाई ना बड़े खेड़ी बंदे है बेरहम बंदे कती जहर। तो अभी गाना गा के ऐसा गाना लगाया हरीश ने माहिया माहिया कि उसको सुन के नींद ही आ गई है। तो अभी चलते हैं और सो जाते हैं, चलें फिर चल, चल। और करते हैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय। तो अभी हम निकल गए हैं वापस और अभी मैं ब्लॉग अपलोड Visual, I did, yeah, get the idea.